Hello everyone, in this video I will be starting the j one section from the book DC Pandey of the chapter Wave Optics. Alright, so this is our first question. So, in this question, we are given: In Young's double slit experiment, how many maximas can be obtained on the screen, including the central maximum on both the sides of the central fringe, given here lambda is equal to 2000 angstrom and d is given as 7000 angstroms. So, it is a simple sa question. take d is theta फॉर योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सो बेसिकली तुम्हें एन फाइंड करने की तुम्हारे मैक्सिम कितने आ सकते हैं सो एन इज इक्वल टू डी बायडा टाइम साइन ऑफ थीटा नाउ अब हमें चाहिए कि यहाँ पे कितने मैक्सिम होने चाहिए ठीक है मतलब इसका ऑर्डर हमें फाइंड करना है मैक्मम सो मैक्म ऑर्डर कब होगा जब इसका साइन थीटा वन होगा ठीक है साइन थीटा की मैक्सिम वैल्यू वन होती है सो so, हमारे पास जो एन आएगा इट विल भी इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ डी बायडा और राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है एन की सो दिस इज इक्वल टू अब डी की वैल्यू कितनी है सेवन थाउजेंड लैमडा की वैल्यू हमारे पास टू थाउजेंड और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे सो ये सब कैंसिल हो गया दिस इज लाइक थ्री पॉइंट फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज थ्री ठीक है सो so, हमारे पास अगर मैं बात करूँ दोनों साइड तो द थिंग इज हमारे पास लाइक एन इज इक्ल टू जीरो के कारोस्पॉन्डिंग आएगा एन इजल टू प्लस माइनस वन के कॉरस्पॉन्डिंगली मैक्सम आएगा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस टू के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिम आएगा और एन इजल टू प्लस माइनस थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैक्सम आएगा ठीक है मतलब ये अगर हमारे पास है तो इस साइड भी और इस साइड भी हमने टोटल कैलकुलेट कर लिए सो so, ये कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात राइट सो हमारे पास सात बन रहे हैं, so, B option is your correct option. So, ये question हमने कर लिया काफी ज़्यादा था, ठीक है, बस ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज थी यही थी ठीक है अगर बाय मिनिमम पूछ लेता तो तुम्हें पता ही होगा मिनिमा के ऑर्डर फंक्शन होगा वो तुम्हारे पास नंबर ऑफ right. So now we'll see next question. So this is our next question. In this question we are given, in Young's double slit experiment, small d by capital D is equal to 10 raised power minus four, where small d is the distance between the slits, capital D is the distance of the screen from the slits. At a point P on the screen, resulting intensity is equal to the intensity due to the individual slit I naught. Then the distance of the point P from the central maximum is. राइट और में गिवन है सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है ठीक है बेसिकली जो इंटेंसिटी का जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट का इंट, इंटेंसिटी गिवन है आई नॉट ऑल राइट और हमें इसका पोजिशन फाइंड करना है ठीक है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्म ठीक है वाई कॉर्डिनेट हमें फाइंड करना है सो so, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है एज पर द लाइक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डी साइन थीटा जो होता है इज इक्वल टू द पास डिफरेंस ठीक है, डेल्टा एक्स लिख देते हैं इसको फिलहाल के लिए सो so, मैं क्या करूंगा हमें इंटेंसिटी की इफॉर्मेशन गिवन है इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन से मैं इस पॉइंट का फेस डिफरेंस निकाल लूंगा उस फेस डिफरेंस को मैं पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट करके इस इक्वेशन में डाल दूंगा ठीक है इज डी वाई बाई डी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एक्स राइट सो पहले इंटेंसिटी का इक्वेशन लिख लो यही होता है इंटेंसिटी का इक्वेशन ठीक है आई नॉट जो होता है इंडिविजुअल स्लिट का इंटेंसिटी होता है और ये फाइ जो होता है इट इज योर फेस डिफरेंस राइट सो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास आई इज गिवन एज आई नॉट सो आई नॉट इज इक्वल टू फोर आई नॉट एंड दिस इज कॉ स्क्टर फाइव बाई टू सो आई नॉट से आई नॉट होवा कैंसल सो कॉ इज गिवन एज वन बाई टू नॉट वन बाई टू वन फोर ठीक है सो so, जब तुम अंडर रूट ले लोगे दोनों साइड सो फाइव बाई टू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू बाय सो की वैल्यू कितनी है यहाँ से फाइव इक्वल टू टू पाए बाई थ्री ऑल राइट सो ये फेस डिफरेंस है इसके कारस्पॉन्डिंग अगर तुम्हें पार्ट डिफरेंस निकालना है सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू दिस विल बी लेमडा बाई टू पाई टाइम्स द फेस डिफरेंस विच इज टू पाई बाय थ्री सो कितना आ गया तुम्हारे पास लेमडा बाय थ्री का पार्ट डिफरेंस आया ऑलराइट सो so, ये ये आई थिंक काफी सिंपल सी चीज है जो अभी तक मैंने की है सो so, अब मैं इस लैमडा बाई थ्री को इस इक्वेशन में पुट करूंगा सो so, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी टाइम्स वाई शुड बी इक्वल टू लेमडा बाई थ्री और राइट सो वाई इज इक्वल टू लेमडा बाई थ्री टाइम्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी और राइट सो क्वेश्चन में मैं लेमडा गेवन था सिक्स थाउजेंड एक्सट्रॉम्स सो सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय अब स्मॉल डी बाई कैपिटल डी टेन रेस्ट पर माइनस फोर था सो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी विल बी इक्वल टू टेन रेस्ट पर फोर ऑल राइट सो टेन रेस्ट पार फोर आ गया सो दिस इज थ्री टू जॉ सिक्स ये पूरा एंगस्ट्रॉम में आया हमारे पास डेटा ऑल राइट सो टू इंटू टेन रेस्ट पार सेवन एंगस्ट्रॉम ठीक है इसको अगर तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना है सो टेन रेस्ट पार माइनस टेन से इसको कर दो मल्टीप्लाई ठीक है मीटर में आ जाएगा सो दिस विल बी टू इंटू टेन रेस्ट पार माइनस थ्री मीटर और एंड डाइट इज इक्वल टू टू मिलीमीटर ठीक है सो so कौन सा ऑप्शन है तुम्हारे पास दिस इज योर ए ऑप्शन All right, so this question was also straightforward. Tha. So now we'll see next question. So this is our next question. In this question, we are given: Consider a usual setup of Young's double slit experiment with the slits of equal intensity, as shown in the figure. Take O as the origin and y-axis as indicated. If the average intensity between y1 uh, and y2 equals n times the intensity of the maxima, then n equals take average over the phase difference. All right. और ये हमारे पास है चार ऑप्शन सो so, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहली बात तो तुम्हें लाइक पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है ठीक है इन द दंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट वो कुछ इस तरह का होता है All right, ये लाइक टच कर रहा होता है इसको एक्सिस को और सिमिलरली दूसरी साइड भी ऐसा ही होता है अच्छा इसकी जो लाइक होती है इंटेंसिटी दिस इज फोर आई नॉट ठीक है जहां पे आई नॉट जो है वो इंडिविजुअल स्लिट्स की इंटेंसिटीज uh, है

राइट सो नेगेटिव ऑफ लेमडा बाई फोर जो होता है ये किसके के कॉरस्पॉन्डिंग का फेस डिफरेंस है ठीक है लाइक फेस डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए पाई बाय टू का लाइक नेगेटिव पाई का फेस डिफरेंस आएगा तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ लेमडा बाई फोर का पार्ट डिफरेंस आएगा आएगाइट सो अगर मैं इस ग्राफ में देखूँ तो ये जो पॉइंट है ये कहीं कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ऑल राइट right. यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं वाई टू के कॉरस्पॉन्डिंग देखूँ तो उस केस में हमारे पास पाई बाय टू का आ जाएगा फेस डिफरेंस ठीक है तो वो कुछ यहाँ पे लाई करेगा ऑलराइट राइट right. सो so, अगर हमें एवरेज निकालना है ठीक है जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एरिया ठीक है ये एरिया होगा और डिवाइडेड बाय दिस इंटरवल ठीक है सो so, इसका जो एरिया होगा एंड डिवाइडेड बाय दिस इंटरवल ये इंटरवल कितना होगा दिस इज पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू दिस इज पाए राइट सो हमें पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और एरिया हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन ठीक है इंटेंसिटी uh, का तुम्हें पता होना चाहिए फंक्शन जो होता है इट इज फोर आई नॉट

तुम इसका यूज कर सकते हो दे आर वन एंड द सेम थिंग ठीक है लाइक like अगर तुम कॉस टू थीटा का लगाओगे तुम्हारे पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा द थिंग इज दैट तुम कॉस थीटा को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते अगर तुमने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा है तो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ राइट right, तो मैं ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन यूज करूंगा ठीक है आ जाकर तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा सो इंटीग्रेशन ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डी फाइव ठीक है इसको ऐसे कर देते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू टू आई एंड दिस इज इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस फाइव और जो तुम्हारी लिमिट्स आएगी वो आएगी कहां से कहां तक माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाय टू तक राइट सो right, so इसको जब तुम कर लोगे सॉल्व तो तुम्हारे पास क्या आएगा लाइक स्ट्रेट फॉर्वर्ड साइ इंटीग्रेशन है तुम तो आई थिंक कर सकते हो इजली सो दिस इज़ लाइक वन को करोगे तो फाइव uh, आ जाएगा सो दिस विल बी पाए एंड कॉस को करोगे तो साइन आएगा तो अपर लिमिट डालोगे साइन पाए बाई टू दैट विल बी इक्वल टू वन एंड नेगेटिव ऑफ साइन माइनस फाई बाई टू दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वन सो यहाँ पे प्लस टू आ जाएगा और राइट सो दिस इज तुम्हारे पास इंटीग्रेट करके ये आया और राइट सो अगर तुम एवरेज की बात करोगे एवरेज इन डेंसिटी सो दैट विल बी इक्वल टू टू आई नॉट एंड पाए प्लस टू और जो तुम्हारा इंटरवल था दैट इज कितना उसका लेंथ था पाए का ठीक है नेगेटिव पाइवे टू से प्लस पाइवे टू तक जो लेंथ होगा टोटल वो पाए का आ जाएगा

ठीक है इसको लाइक like, अगर तुम ब्रैकेट सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो दैट इज वन टू एंड वन प्लस टू बाई पाइट सो ये तुम्हारे पास एन की वैल्यू आई कौन सा ऑप्शन है जरा आप देख लो दिस इज योर आई थिंक ए एप्शन राइट हाँ ए ऑप्शन है सो so ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया सॉल्व काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इन डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर डिस्प्लेस्ड बाई अर डिस्टेंस x ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड इन दाथ ऑफ वन ऑफ द बीम्स वेन दिस प्लेट इज रिप्लेट ऑफ द सेम थिक शिफ्ट ऑफ दिज इज थ्री बाई टू ऑफ एक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड प्लेट इज सो यह क्वेश्चन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉर्वर्ड है तुम्हें आई थिंक पता होगा अगर लेट से तुमने ये चीज पढ़ी होगी अच्छे से कि मैं अगर एक पाथ पे एक ग्लास प्लेट का यूज कर लू ठीक है सो so, असेंशियली जो पार्ट डिफरेंस है उसमें क्या क्या चेंज आता है दिस इज डी साइन थीटा एंड अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और थिकनेस है टी सो दिंग ऑप्टिकल पार्ट जो है इसका बढ़ जाता है सो नेगेटिव ऑफ म्यू माइनस वन ऑफ टी इज योर ओवरऑल लाइक डेल्टा एक्स है राइट नाउ इन द क्वेश्चन हमें गिवन है कि जो फ्रिजेस है वो डिस्प्लेस हो जाती है बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स तो सेंट्रल मैक्सिमा भी बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स डिस्प्लेस हो गया होगा राइट सो हम वही चीज फाइंड करेंगे दैट इज द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा सो दिस इज डी

राइट मतलब वाई की जगह हम एक्स डाल सकते हैं सो so, म्यू हमें गिवन है फर्स्ट का वन पॉइंट फाइव सो दिसंट फाइव टाइम्स टी हमें गिवन नहीं है तो टी ही एज्यूम कर लो और कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ये तो सबके लिए सेम है कांस्टेंट मान लो ऑलराइट नाउ इन द सेकंड केस हमारे पास क्या गिवन है कि जो फ्रेंच पैटर्न है वो 3 बाय 2 ऑफ एक्स शिफ्ट हुआ है ऑलराइट सो so 3 बाय 2 ऑफ एक्स This be equal to mu -1. हमें करना है। और डी बाई डी तो वैसे ही है कर लिया। Now, अगर मैं इन दोनों को इस तरह से लिखू और मैं इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा ये चीज कट जाएगी ऑल राइट सो हमारे पास यहां पे क्या आया जरा देखो दिस विल बी थ्री बाई टू शुड बी इक्वल टू

राइट सो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था तुम्हें बस ये जो है पार्ट डिफरेंस ये निकालना आना चाहिए बाकी सब इजी है सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इन यंग डबल स्ली एक्सपेरिमेंट दवाई कॉर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड टेंथ मैक्सिमा आर टू सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली वन द वाई डी एसराइटर्स इज इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव द कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोर्डिनेट्स विल बी सो so, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए कि पैटर्न पे फर्क क्या पड़ेगा द थिंग इज पैटर्न जब भी तुम्हारे पास डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा कैसे क्योंकि तुम्हारा जो लाइक like पैटर्न है एसेंशियली वो लैमडा पे डिपेंड करता है एंड लैमडा जो होता है इट इज एसेंशियली लैमडा नॉट बायूल राइट सो जितने भी फैक्टर्स तुम्हारे लैमडा पे डिपेंड करते हैं वो इस तरह से इफेक्ट हो जाएंगे राइट सो हमें लाइक like क्वेश्चन में गिवन है वाई सेटअप से है एंड यहाँ पे एक सरप्राइजिंग बात है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा वो ऑलरेडी टू सेंटीमीटर पे बन रहा है ठीक है वो ऑरिजिन पे नहीं बन रहा सो so, अगर मैं इक्वेशन को फिर से फ्रेम करना चाहूँ तो आइडियली हमारे पास क्या आता था डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू डेल्टा एक्स सो यहाँ से हमारे पास क्या आता था लाइक आइडियली डी वाई बाई डी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एक्स तो अब मैं y को लिखता हूँ y शुड बी इक्वल टू लेमडा x टाइम डी बाई स्मॉल d ऑल राइट सो आइडियल सिचुएशन में जब हमारा ओरिजिन पे होता है जब पैटर्न बनता है तुम्हारे तो पास ये चीज आती है ठीक है मतलब जब वाई जिगल टू जीरो पे बनता है बट अब हमारा पैटर्न जो है वो वाई से बनना स्टार्ट हुआ है तो मैं क्या करूंगा सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स अगर तुमने पढ़ा होगा तो मैं वही यूज करूंगा मैथमेटिक्स में सो दिस इज डेल्टा एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस टू जस्ट मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया है अब तुम इसमें डेल्टा एक्स अगर इक्वल टू जीरो डालोगे ठीक है दैट इज कॉरस्पोडिंग टू सेंटर मैक्सिमम तो वाई की वैल्यू तुम्हारे पास टू ही आएगी

and this should be equal to n lambda not d by small d plus 2 so yahan se essentially hamare paas value aayi hai theek hai like n ki jagah 9 dal do 9 lambda not capital d by small d should be equal to 3 all right ye cheez aagayi hamare paas now ek important चीज़ है question mein ki jo central maxima ki jo position hai wo change nahi hogi क्योंकि अगर तुम यहां पे देखोगे तो n multiply होता है इस सारे factor से तो n equal to टू जीरो होता है तो लैमडा का चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए won't affect it ठीक है, सेंटर so की पोजिशन चेंज नहीं होगी वो टू पे ही रहेगा बट अगर मैं बात करूं टेंथ मैक्सिमा की आएगा दिस विल भी इक्वल टू वाईज इक्वल टू नाइन लैमडा नॉट डी बाय स्मॉल डी एंड म्यू एंड प्लस टू और राइट सो म्यू को भी चलो वन पॉइंट फाइव यहीं पर डाल देते हैं राइट डेफिनेटली फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास इस चीज की वैल्यू है so this should be equal to 3 by जो होगा उसकी पोजिशन होगी फोर्थ और जो सेंट्रल uh, मैक्सिमा होगा उसकी पोजिशन सेम रहेगी डेट इज टू सो टू सेंटीमीटर कॉमा फोर सेंटीमीटर दैट इज दी ऑप्शन इज योर आंसर अच्छा इस क्वेश्चन को तुम एक और तरीके से कर सकते हो तुम Uh, ये पोजिशंस ना लेके तुम लाइक थिकनेस ऑफ द फ्रिंज विथ ले सकते हो ठीक है लाइक like, अगर तुम्हारा ये सेंट्रल मैक्सिमा है और ये तुम्हारा uh, जो टेंथ मैक्सिमा है ठीक है टेंथ मैक्सिमा इसमें जो भी लाइक like, जो फ्रिंजेस बनेंगी ठीक है दैट विल बी इक्वल टू लाइक ये जो डिस्टेंस होगा टोटल दैट विल बी सम कांस्टेंट इंटीजर मल्टीप्लाई बाय द फ्रिंज विथ ठीक है राइट एंड दिस फ्रिंज विथ तुम्हें पता होगा फ्रिंज विथ जो होती है तुम्हारे पास इट इज आई थिंक लैमडा बाय डी

नॉट फाइव पे ये जो डिस्टेंस होगा ये डैट विल बी फाइव माइनस टू डेट इज थ्री ठीक है सो दिस इज थ्री एंड डैट इज इक्वल टू एम डी नॉट बाई डी ऑल राइट फाइनली हमारे पास क्या हुआ फाइनल like हमने इसको जब डिप uh, कर दिया दिस विलव टू थ्री बाय पॉइंट फाइव ठीक है लाइक like इसमें हम वन पॉइंट फाइव डिवाइड कर देंगे ना ऑल राइट सो यहां से भी हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आएगी दिस विल बीवल टू

ये तो लाइक काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था कि लाइक डिप किया और डिफरेंस बताना तुम्हें ठीक है मतलब न्यू पोजिशन बतानी है बट लेट से अगर तुम्हें कभी कुछ और बताना पड़ा तो तुम्हें दोनों प्रोचेस का पता होना चाहिए और राइट सो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो करते हैं एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट्स में मुझे जरूर अपने सजेशंस दो और सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे